फ्राइज चीजी स्टिक। चीजी स्टिक बनाने के लिए हमने ये फ्रेंच फ्राइज लिए, ये बाजार की फ्रोजन जो होती है ना वो वाली है, और ये कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, इनको फ्राई करेंगे हम। ये हमने कढ़ाई रख दी है चीजी स्टिक बनाने के लिए। ये हमने जो पहले यूज किया था चोको लावा में वही नमक है, इसको कढ़ाई में डालेंगे, अच्छी तरह फैला लेंगे इसको चारों तरफ। और एक ये अपना स्टैंड रखेंगे और ढक्कन लगा के इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। ये हमारी देख लेंगे, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, एक स्टिक डाल के देखेंगे तो ये हमारी कढ़ाई अच्छी तरह गर्म हो गई है। अब हम अपनी इसमें सारे फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे। ये हमारे सारे फ्रेंच फ्राइज हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम ये स्टिक लेंगे तीन, हम बराबर साइज की ये लेंगे एक स्टिक और इसके अंदर डालेंगे अपनी बिल्कुल बराबर साइज की। अगर बराबर नहीं है तो आप थोड़ी सी मतलब काट के या तोड़ के इसको बराबर कर सकते हैं। ये देखिए हमारी स्टिक कितनी सुंदर लग रही है, इसी तरह हम अपनी सारी स्टिक्स भर लेंगे। ये इस पे पिज्जा पास्ता सॉस लगाएंगे, लगाएंगे दोनों तरफ लगाना है। ये थोड़ी सी मोज़रेला चीज लेंगे, ये थोड़ी सी हमने रेड कैप्सिकम ली थी, इसके ये थोड़ी सी ग्रीन शिमला मिर्च, थोड़े से स्वीट कॉर्न, सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स, चीज आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए। ऊपर से थोड़ी सी चीज। ये हमारी तीनों स्टिक हो गई है कंप्लीट। अब हमने कढ़ाई रखी हुई थी गर्म होने के लिए, ये हमारी अच्छी तरह गर्म हो चुकी है। अब बहुत आराम से और इस प्लेट को इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर रख दिया और ढक्कन लगा के रख देंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे कि हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है या नहीं। देखिए हमारी चीज स्टिक बन गई है और बहुत ही आराम से निकालें क्योंकि ये गर्म होगा अभी। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज चीजी स्टिक बनके हो गई है तैयार। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।